अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम जो हमारे एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं शफकत महमूद, उनकी जो वीडियो में सारी डिस्कशन हुई है उसको समराइज करूंगा। मैं शॉर्ट में करके बताऊंगा। ये बात तो सारी क्लियर हो गई है, बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि सारे एग्जाम्स अपने टाइम पे होंगे और सारे एग्जाम्स होंगे, क्योंकि चाहे वो ओ लेवल ओ ए लेवल के हों, 9th से लेके मैट्रिक मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो। ओ ए लेवल का यूं अगेन बोला उन्होंने, बार बार जाके बोला कि ओ ए लेवल का जो लास्ट नाइट प्रोटेस्ट भी हुआ था, ओ ए लेवल के स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनके एग्जाम डिले किए जाएं या कैंसिल किए जाएं। तो उन्होंने बार बार, पूरे कंट्री में ओ ए लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं सिवाय बांग्लादेश के, इंडिया भी ले रहा है, नेपाल भी ले रहा है, श्रीलंका भी ले रहा है, सारे कंट्रीज ओ ए लेवल के एग्जाम्स ले रहे हैं। तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, सिंध गवर्नमेंट ने 1 से लेके 8 तक के जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी है 20 अप्रैल तक। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, पूरे पाकिस्तान की कर रहा हूँ, इसमें सिंध भी है, पंजाब भी है, पंजाब और सिंध की ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने क्या करा, 1 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स का क्लासेज जो है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल के बाद फिर फर्दर देखा जाएगा कि ओपन करनी है नहीं करनी। बाकी उसके बाद जो 9th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, उनकी क्लासेस वैसे ही हो रही हैं एसओपीज के साथ। ठीक है, अब अगर हम पंजाब की साइड की बात की जाए, पंजाब की साइड में कहा गया है कि 1 से लेके 8 तक की जो क्लासेस हैं वो ईद तक, अभी फिलहाल अभी पंजाब साइड में 1 से लेके 8 तक की क्लासेस बिल्कुल नहीं हो रही है। वहाँ पे जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे कोरोना के रेशियो बहुत है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी स्कूल्स ओपन नहीं किए जा रहे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा है कि ईद तक सब बंद है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा है कि हम 28 अप्रैल को हमारी एनसीओसी के साथ अगेन मीटिंग है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ईद से पहले स्कूल ओपन किए जा रहे पंजाब साइड में या फिर ईद तक बंद रहेंगे, लेकिन 28 अप्रैल को ये हमारे पास फाइनलाइज हो जाएगा। बाकी जो उन्होंने एग्जाम्स का कहा, 9th मैट्रिक फर्स्ट सेकेंडरी के एग्जाम्स का उन्होंने कहा, क्योंकि 9th मैट्रिक फर्स्ट सेकेंडरी के एग्जाम्स का जो स्टूडेंट है बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 40 लाख स्टूडेंट हैं 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, पूरे 40 लाख स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इसीलिए कहा गया है कि जो 9th मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर है, इसका कंपेरिजन ओ एंड ए लेवल से ना किया जाए, क्योंकि ओ एंड ए लेवल के स्टूडेंट सिर्फ 85,000 है, तो रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए कहा गया है कि जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स है वो होंगे, लेकिन वो सीरीज वाइज होंगे, कैसे, कुछ मई में होंगे, कुछ जून में होंगे, कुछ जुलाई में होंगे, क्योंकि पूरे 30 बोर्ड्स हैं, 30 बोर्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में। ये भी कहा कि जो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर्स थोड़े स्कैटर्ड वाइज होंगे, कुछ मई में होंगे, कुछ जून में होंगे, कुछ जुलाई में होंगे, तो जाहिर सी बात है पेपर लेट होंगे तो उनके रिजल्ट भी लेट आएंगे। तो उन्होंने साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को कहा, यूनिवर्सिटी एचईसी को कहा कि जो एडमिशन टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का वो थोड़ा डिले किया जाए, थोड़ा लेट लिया जाए। और साथ साथ जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं 26 से, ये 26 से ही होंगे, क्योंकि इनका जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत कम है, किसी पेपर्स में 2,000 स्टूडेंट है, किसी में 4,000, किसी में 6,000, बहुत कम ऐसे इस पेपर्स हैं जिसमें 10 से 12,000 तक स्टूडेंट जा रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर्स में कम ही हैं। अच्छा, अपनी प्रिपरेशन रखें। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।